कि जिसके पास जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार ही आदमी अपनी योग्यता के आधार पर अधिकार जमाता है, लेकिन अनाधिकार चेष्टा आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। जिसके पास बहुमत माने जिसके एक भाजपा के पास 102 सीट है, उनके पास जो है मात्र 54 सीट है। 54 सीट है, बताइए, कल्पना करिए कि 54 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, 102 सीट वाले को। तो ये जो भी अनैतिक पहल कर रहे हैं, ये अनैतिक पहल है और जनता इसको देख रही है। उद्धव ठाकरे जी शायद भ्रम में पड़े हुए हैं, भारत की जनता इंदिरा जैसी शख्सियत को धरती पर ला दिया, भारत की जनता माने किसको नहीं, जिसको भी थोड़ा भी दम राजनीति में हुआ उसको जो है भारत की जनता सबक सिखा देती है। तो शिवसेना प्रमुख जी को अभी भगवान करे सद्बुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि दे कि गठबंधन धर्म का निर्वाह करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, जो जिसकी जितना उनका सीट है उसके अनुसार उनको बिना मांगे। देखिए हमारे आदरणीय नेता मोदी जी और अमित शाह जी में इतना बड़ा मन है, इतना हृदय बड़ा है, आप लोग देखते हैं महाराज की भारत की धरती पर बिना आप देख रहे हैं पहली बार कोई राष्ट्रपति बना, कौन बना, आदरणीय महामहिम पूजनीय जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी। इतना बड़ा मन किसी दल के नेता में होता ही नहीं, केवल दल तो भाजपा है, भाजपा मतलब दल और भाजपा मतलब पूरे समाज और गरीबों के बारे में चिंतन करने वाला दल, भाजपा मतलब भारत के बारे में चिंतन करने वाला दल, भाजपा मतलब नैतिकता का दल, भाजपा मतलब ईमान का दल, भाजपा मतलब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी भी पुत्र मुंह में व्यथित हैं और उसी के कारण जो है ये आधार है। लेकिन हमें लग रहा है कि परिस्थितियां खुद दोनों दलों को फिर एक साथ करेंगी और सरकार भाजपा की बनेगी। तो जिस प्रकार से शिवसेना और भाजपा लगातार सरकार बनाते आ रही है, लेकिन इस बार शिवसेना का यह कहना है कि अगर सरकार बनेगी तो सरकार में अधिकार 50-50% का सरकार होगा। और एक तरफ शिवसेना ने NCP से भी बात की है अपनी सरकार बनाने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार शिवसेना ने अपना एक अलग ही रुख बना रखा है? देखिए वो कहा गया है, कह रही कैसे निभेद खेल भेद के संग, जिसके साथ राजनीति में भी आप स्टेज बनाकर फिर इसका विरोध करके जिस समाज ने आपको संदेश दिया है कि नहीं हम BJP और शिवसेना के गठबंधन के साथ हैं, उस भावना का अनादर कर रहे हैं शिवसेना प्रमुख जी। शिवसेना प्रमुख जी को जनता के भावना का अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो जनता के भावना का अनादर करेंगे तो महंगा पड़ सकता है भविष्य में।